खुशी के साथ देखते रहिए खबर पर नजर और इंदौर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए। इंदौर के महालक्ष्मी मंदिर पर गणपति उत्सव के दौरान किए जा रहे हैं इसी कड़ी में कल 26 सितंबर की रात्रि महाकाली का नृत्य, शिव पार्वती का नृत्य और अन्य सांस्कृतिक आयोजन किए गए। यहां पर सैकड़ों की तादाद में भक्त लोग आ रहे हैं। माता लक्ष्मी के साथ साथ गणपति की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, उसके भी दर्शन करने, ये बताया संयोजक राजकुमार राठौड़ ने। यह उनकी 20वां साल है जो लगातार संस्कृति का आयोजन कर रहे हैं। गणपति उत्सव के दौरान और अन्य आयोजन भी करते रहते हैं। साल में आए हुए भक्तों के द्वारा भी गरबा कर गया। बताइए, महालक्ष्मी मंदिर पर यहाँ पर गणेश उत्सव में काफी भव्य सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं और आज विशेष क्या आयोजन था? महालक्ष्मी मंदिर जब से बना है तभी से हर त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और इस वर्ष भी गणेश उत्सव का 10 दिवसीय कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया और यहाँ पर रोजाना धार्मिक नृत्य भजन संध्या हो रही और उसी तारतम्य में आज यहाँ पर धार्मिक नृत्य संध्या थी जिसके अंदर राम कृष्ण गोपाल जी राम शर्मा जी के ग्रुप का डांस आर्ट का कार्यक्रम था जहाँ पर आज राधा कृष्ण जी की प्रस्तुतियाँ, भगवान बजरंग बली की प्रस्तुतियाँ, भगवान शिव पार्वती की प्रस्तुतियाँ और माँ कालिका का रुद्र रूप देखने को मिला। दर्शकों को निश्चित रूप से देखकर बड़ा आनंदित हुए और यह है महालक्ष्मी पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं इसका आनंद सभी भक्तजन ले रहे हैं। आज धार्मिक नृत्य संध्या थी, कल यहाँ पर मेरी भाग्यलक्ष्मी नामक एक फिल्म का शो आयोजन रखा गया और इसी प्रकार से 10 दिन कार्यक्रम यहाँ पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपका परिचय? राजकुमार राठौर, अध्यक्ष श्री महालक्ष्मी मंदिर न्यास। यहाँ पर जब आप जिस किरदार में यहाँ पर जब भगवान को यहाँ पर आप स्वयं लाते हैं तब आप उस समय क्या अनुभव करते हैं वो बताइए, क्योंकि ऐसा अनुभव करते हैं कि हम मतलब हम अपने आप को भूल जाते हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं और हमें बस भगवान ही नजर आते हैं और हम ये दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं कि भगवान का रूप ऐसा है बस उनके बारे में हम। और आज आप स्वयं यहाँ महालक्ष्मी के प्रांगण में आए, क्या कहेंगे आप? बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ के मतलब जो लोग हैं वो भी काफ़ी अच्छे लोग हैं और अच्छा माहौल था यहाँ पे, सभी चीज़ हमको बहुत अच्छी लगी है और हमको कार्यक्रम करने में बहुत आनंद आया। आप अभी तक कौन कौन से भगवान का किरदार निभा चुके हैं? मैं शंकर जी का करता हूँ। अच्छा ठीक, आपका परिचय बताएं। मेरा नाम संदीप जाटवा है, मैं नेहरू नगर से हूँ, इंदौर से। ठीक ठीक, जब यहाँ पर जब भक्त लोग आपको अलग ही अनुरोध अनोखे रूप में देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं ये बताइए, और आज यहाँ पर विशेष रूप से जो माँ लक्ष्मी के मंदिर में आप स्वयं पार्वती का रूप धरा है तो कैसा महसूस करते हैं? हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं और सबको अलग अलग तरह की झांकियाँ दिखा के बहुत अच्छा महसूस करते हैं और सबको भगवान के प्रति सिखाना चाहते हैं कि बहुत भगवान होते हैं।
ठीक है, आपका परिचय बताएं। गुनगुन राठौर, द्वारकापुरी। यहाँ पर जब इनके द्वारा जब प्रस्तुति दी गई, काफ़ी सारे लोगों ने बहुत अच्छा सराहा और काफ़ी अच्छी प्रस्तुति के साथ साथ यहाँ लोगों ने सांस्कृतिक आयोजन में काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे, क्या कहेंगे आप? क्योंकि महिला होने के नाते साथ यहाँ पर काफ़ी बहुत अच्छा पारिवारिक माहौल देखने को मिलता है हर बार की तरह, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, माहौल अच्छा बना था और लोगों ने तारीफ भी की। ठीक है, आपका परिचय बताएं। निकिता काला। थैंक यू।